यहां पर का माहौल को खराब करने के लिए मोदी और शाह जी आ रहे हैं। एक बार तो मोदी जी आके गए शायद, और वो आकर क्या कहे, तो भूपेश बघेल की राज्य में 30% काका ऐसा कुछ बोले। अरे ऐसा ही कर्नाटक में बोलते थे इन्होंने, हमने उनकी 40% सरकार को निकाल दिया, अब वो यहां 30% बोल रहे हैं। तो बीजेपी का वहां 40% था और यहां कांग्रेस को इसलिए बोल रहे 30% कि यहां पर कुछ भी करप्शन नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो मिल रहा है, लेकिन किस ढंग से बदनामी करना, चलो इनको भी कुछ बोलेंगे, तो वो 30% बोलते फिर रहे हैं। भाई मोदी जी, आपने जो वायदा किया वो तो निभाया नहीं, लेकिन जब कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, इन्होंने जो वायदा किया था और वो भूपेश बघेल जी से करवाया, ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है और उन्होंने पूरा किया। क्या क्या किया, किसानों का कर्ज माफ किस सरकार ने की, ये तो कांग्रेस ने की। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन किसने लागू की, वो तो कांग्रेस ने की। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल किस सरकार ने खोली, कौन खोले, कांग्रेस ने खोली। बिजली बिल लादा, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाई किस सरकार ने किया, कांग्रेस।